अजय देवगन की सिंघम 3 अब दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। अजय के साथ साथ फिल्म के अंदर बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे, पर फिल्म की हाईलाइट तो दीपिका पादुकोण रहने वाली हैं, जो फिल्म रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में लेडी सिंघम बनकर दिखने वाली हैं। ये लेडी सिंघम तो होंगी, पर फिल्म में इनका रोल क्या होगा? सिंघम बने अजय देवगन के साथ इनका रिश्ता क्या होगा? क्या आपके भी मन में ये सवाल है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कॉप ड्रामा फिल्म सिंघम अगेन मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अजय देवगन स्टार और इस अपकमिंग मूवी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि जैसा कि आपको पता है कि सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण के जुड़ने की खबर पहले से ही सामने आ चुकी है, वहीं अब मूवी में उनके किरदार को लेकर सामने यह जानकारी फैंस का उत्साह बढ़ाने वाली है। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण के जुड़ने की खबर ने फैंस के उत्साह को बढ़ा दिया था, वहीं अब फिल्म में उनका किरदार और ज्यादा सुर्खियों में है। रिपोर्ट की माने तो मूवी में दीपिका पादुकोण अजय देवगन की बहन के किरदार में नजर आएंगी। जी हाँ, अजय की बहन बनेंगी दीपिका। बता दें, दीपिका को अजय की बहन के रोल में कास्ट करके रोहित शेट्टी यह साबित करना चाहते हैं कि सिंघम की पूरी फैमिली ही पक्की देशभक्त है, वो परिवार देश की सेवा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिल्म में दीपिका का रोल कैमियो भर नहीं होगा, बल्कि वो अच्छा खासा रोल करने वाली हैं और अपने रोल के उन हिस्सों की शूटिंग के लिए उन्हें 30 से 40 दिन लगेंगे। कथित तौर पर दीपिका पादुकोण इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है और उन्होंने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक बिना रिपोर्ट के सूत्र के हवाले से कहा गया है कि दीपिका पादुकोण रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन के लिए बहुत उत्साहित है और रोहित शेट्टी की यूनिवर्स की पहली महिला पुलिसकर्मी की भूमिका निभाएंगी और उन्होंने इस एक्शन से भरपूर पार्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण के अलावा टाइगर श्रॉफ भी कैमियो भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में उनका आना रोहित शेट्टी के पुलिस यूनिवर्स में उनका रास्ता बनाएगा। बात करें फिल्म की रिलीजिंग की, तो फिल्म अगले साल 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपको दीपिका का रोल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।